संसार जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं और जिसे हम अपने हिसाब, तर्क और बुद्धि से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो हमारी खुली आंखों से दिखने वाला संसार है, सिर्फ इतनी ही वास्तविकता नहीं है। एक और संसार है जो कि हमारी इन आंखों से नहीं दिखता है। सुद परिजदानुभूदा सवस्व भी काम भोग बंद कहा एयत्त सुबलंभो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। श्रुत है, सुनी गई है, परिचित है, अनुभव में भी आई है ये संसार जो दिखाई पड़ता है, इसकी कथा। लेकिन वह जो एक अंतरंग जगत है, उसके बारे में ये दोनों आंखें देख नहीं पाती हैं, ये सफिशियंट नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी संसार में चीजें हैं जिनको कि ये दो आंखें नहीं देख पाती, जिनको देखने के लिए हमें कोई तीसरी आंख अपने भीतर पैदा करनी पड़ती है। वो श्रद्धा, आस्था, निष्ठा और समर्पण की आंख है, वो विश्वास की आंख है। लेकिन उस आंख के खुलने के लिए कुछ तो हमारे पास अच्छे कर्म होना चाहिए। वे कुछ अच्छे कर्म जो हमारे पास होते हैं, तब फिर वो जो अंतरंग जगत है, वो जो श्रद्धा और विश्वास है, उसे हम समझ पाते हैं। हमारे जीवन में हमने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे कि सहसा हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उस आंतरिक जगत पर नहीं हो पाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि जीवन भर जिस जगह बैठ करके एक भिखारी भीख मांगता रहा, उसके मर जाने पर लोगों ने देखा कि उसी जगह पर सोने की असरफियां दबी हुई थी। वो भिखारी जीवन भर इस बात को नहीं जान सका, उसे अपनी निजी संपदा देखने की आंख नहीं मिल सकी। ऐसे ही हम लोगों के पास अपनी निजी आत्म संपदा है, उसे देख पाने की जो हिये की आंख है, वो हमारी नहीं खुल पाती है। इतना ही नहीं, सिकंदर जैसे लोग